गाइस यहाँ से देखो कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य, कितना सुंदर लग रहा है। खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छी सी जगह है। बेसिकली ये है नज़ारा, ठीक है भाई। ये है 5 रुपये नेपाली, हाँ ये 50 रुपये का, ओके। तो बेसिकली देखो रोटी ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग ने 3 ऑर्डर दिए थे, फिर से 3 ऑर्डर दिए। तो बेसिकली ये है नान, जाके ये मूली देते हैं हर वक्त ये, और ये चटनी एक ट्रेडिशन है इधर। इतने में ना हमको 4 पीस मिल रहा है भाई, 1, 2, 3, 4। हाँ नहीं नहीं लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। आपका नाम क्या है ये तो बताओ। हमारा नाम प्रकाश। आप हमको देख के पहचान गए ना। हाँ रात को भी आएंगे और कल सुबह एक बार आएंगे, ओके। और टाइम हो रहा है 9:23। सर इतना सा गाड़ी है, इतना सा गाड़ी, एक भी दुकान पर जो भी है ना वो नहीं चल रहा है। तो ये बेहूदा हरकत है, एटलीस्ट 11-12 बजे तक तो ये होना चाहिए ना। ये अच्छा नहीं लगा हमको। जय श्री राम प्यारे भारतवासियों, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है मेरे चैनल पर। वापस से शुरू करते हैं एक नया वीडियो। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ नेपाल की काठमांडू में और ये मेरा अंतिम ब्लॉग होगा। अभी मेरा 11 दिन चल रहा है। आज हम रैंडमली घूमेंगे, तो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए एक होटल में, जो स्वयंभू से थोड़ा ही दूरी पर है हमारे होटल के सामने। और वो एक्चुअली उस होटल पर ना हमको बहुत अच्छा सा इंडियन कल्चर का खाना मिला, तो हम जा रहे हैं अभी आपको दिखाएँगे कि 500 से 600 रुपीज़ में आप क्या क्या खा सकते हो नेपाल में, मतलब एक अच्छा वाला होटल, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं ज़्यादा लो भी नहीं कोई चीज़, ओके। तो चलो होटल पे जाके मिलते हैं और मेनू दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, तो चलो बैठते हैं। सो अभी जा रहे खाना खाने के लिए। इधर इधर किधर बैठे थे बोलो। हम बैठते हैं यहाँ पे बैठते हैं, ओके। चलो हाय, भाई इंडियन एक्सचेंज करोगे ना, इंडियन रुपीस होगा ना, 1 पॉइंट कितना 50। सो इंडियन रुपीस है हमारे पास, इससे हम एक्सचेंज करेंगे। ए किधर बैठेगा, इधर बैठते। तो सबसे पहले आज हम लोग बहुत कुछ खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि 500-600 में क्या क्या चलता है खाने को। चलो हाथ पर हाथ वगैरह धो के आते हैं, तो मेनू लेके आता हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या क्या खाते हैं। बहुत चिप खाना होगा, चिपेस आज थोड़ा अच्छा वाला खाना खाएंगे। लेट मी चेक, ये कुछ मेनू है नेपाली रुपीज़ का, देख लो। मैं अभी सिलेक्टर का आपको तो बताता हूँ। हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, क्या खाएंगे बोलो। तंदूरी रोटी और उसके बाद ये दाल फ्राई और राजमा। यस दाल फ्राई राजमा। कितना कितना ये तो बोलो। तीन करके नान, तंदूरी रोटी 3-3 इच, एक दाल फ्राई और एक राजमा, बस इतना दो पहले फिर देखते, ओके। तो भाई हम लोग का खाना आ गया, देखो भाई प्याज देना थोड़ा प्याज। अच्छा मतलब मिक्स ब्लॉग होगा। ये राजमा कौन खाएगा, राजमा ये वाला राजमा। हाँ देखो हम तो हम ही खाते। तो बेसिकली ये है नान नेपाल के, मतलब हाफ हाफ है, हाफ इधर और हाफ इधर। तो ये है इस तरीके का नान दिखता है नेपाल में, जहाँ कि ये मूली देते हैं हर वक्त ये, और ये चटनी एक ट्रेडिशन है इधर का, देगा ही देगा। सो खाना खाते हैं, ओके। सिर्फ सुबह को ब्रेड जैम
रात को चाउमीन ये सारा खाता रहा। तो हम लोग का कल का बाद से हम चले जाएंगे, तो पैसा थोड़ा बचा हुआ है इसलिए हम बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं। ये खा के होटल में जाएंगे, उसके बाद फिर से थामिल में जाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए, और अलग अलग मार्केट पे जाएंगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए। चलो खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो रोटी ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग ने तीन ऑर्डर दिए थे, फिर से तीन ऑर्डर दे रहे, तो इतना से पेट भरता नहीं है भाई। ब्लॉगर है ना हम, लाइव जा रहे हैं। हाँ लाइव नहीं, नहीं लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, ब्लॉगिंग करते हैं हम। तो इसको शूट कर रहे हैं, आपके एक होटल से खाना खाते हैं हम हर वक्त। बना लिया, कल चले जा रहे हैं ना किधर? इंडिया। हम वेस्ट बंगाल से आया है, इंडिया। इंडिया अच्छा, बना लिया क्या? हो गया। कौन सा ब्लॉग बना लिया? आप मास्क पहने इसलिए क्या? ना रे, मैं लग रहा है इसलिए। नहीं नहीं, हम बस खाने का ब्लॉग बना रहे आज। बहुत जगह घूम लिया ना, तो खाने का ब्लॉग बना रहे, नेपाली खाना। नहीं नहीं अच्छा है। आपका नाम क्या है ये तो बताओ? हमारा नाम प्रकाश। आप हमको देख के पहचान गए ना? हाँ, रात को भी आएंगे और कल सुबह एक बार आएंगे। ओके, और कल 3 बजे बस है। 3 बजे बस है इधर से ना? इधर से वो उधर से उतरेंगे, मतलब चढ़ेंगे कल बस ही कुछ। तो भाई हम फिर से खाना खाते हैं, चलो। तो भाई हम लोग का भूख और भी है, तो हमने क्या किया, कितना रोटी, 3 या 4? पहले लिया था 6। मैंने अभी कितना दे रहे हो? अभी ले रहे हम 6। 6 रोटी, 4 और 4 जो भी होगा। और हम ले रहे हैं 150 का एक चिकन करी, और ये ले रहा है एक वेज का। तो आज पूरा खाएंगे, बिकॉज बहुत चीप तरीके से ट्रैवल किया, पैसा थोड़ा बचा हुआ है, खा पी के चले जाता हूँ कल। तो गाइस ये आ गया मेरा चिकन करी, जो कि नेपाली रुपीस में मेरे को देना पड़ रहा है 150 नेपाली रुपीस। और टोटल कितना होता है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद में। ट्राई करते हैं कैसा है। स्मूथ, तो भारी ना, मतलब हल्का है। ओके, इतने में ना हमको 4 पीस मिल रहे हो, 1, 2, 3, 4 और छोटा सा 5, 150 वाला। और फिलहाल अभी रोटी आ गया है फिर से। ये रोटी नहीं, ये क्या है? एग है, डालमा और दाल मिक्स्ड एग। तो अभी फिलहाल हम लोग रोटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो वापस से रोटी आ गया, कितना रोटी खा रहे पता नहीं, हिसाब पढ़ना पड़ेगा। ओके, चिकन का पीस वेरी सॉफ्ट। बहुत दिन हो गए चिकन नहीं खाया था। तो भाई हम लोग का खाना हो गया, देखो कितना कुछ खाया राक्षस के बाद। ठीक है भाई, हो गया भाई। चलो पानी का बोतल ले लो। कितना हुआ? हो गया है? क्या हो गया? कितना रोटी खाए थे पहले? 6 था। उसके बाद लिया 3, उसके बाद 2, 6, 3, 9, 9, 2 11 रोटी। उसके बाद एक चिकन करी 150 का, एक दाल फ्राई 70 रुपीस का, एक राजमा दाल फ्राई और दाल अंडा, राजमा दाल फ्राई एक, दाल फ्राई एक, राजमा एक, एक राजमा एक। उसके बाद एक मिक्स्ड दिया था राजमा एक से दाल अंडा मिक्स। हाँ बस इतना ही।
कितना होता है? पानी नहीं ना? नहीं पानी 610 हो गया। हाँ 610 कन्वर्ट करके दो, तो दो थोड़ा सा। मिलेगा ना वापस? 140 रुपये। बाय, रात को फिर मिलेंगे। ओके, तो हम लोग अभी चले जाते हैं भाई, क्योंकि हम लोग का खाना हो गया। ये देख लो, लुम्बिनी फास्ट फूड एंड तंदूरी भोजनालय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से खाना देते हैं हम लोग को, एंड बिहेवियर इज़ वेरी गुड। तो रास्ते के उस साइड है हमारा होटल, हम अभी जा रहे हैं होटल पे। तो होटल पे जाके मिलते हैं गाइस। ओके बाय। तो गाइस हमने अभी वो खाना खा के फिर से होटल पे आए, और बहुत अच्छा खाना था, बहुत कुछ खाया, 10-11 रोटी खाया दो जन मिल के, 5:30 होगा शायद, और बहुत कुछ खाया, एकदम पेट फूल गया, देख सकते हैं आप। और क्योंकि हम कल चले जाएंगे, और बहुत चीप तरीके से हम लोगों ने खाना खाया है, और इधर सर्वाइव करने के लिए तो एक दो दिन हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ठीक से खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा चिल मारेंगे, बस वीडियो करना था, वीडियो करना हो गया, बहुत सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, मतलब बहुत कुछ शूट करके रखा है, तो ये कब अपलोड होगा पता नहीं। कोई भी है तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ नेपाली रुपीज़, पहले देखो नेपाली रुपीज़ कैसा होता है। तो वो 500 रुपये दिए थे ना हम लोग, 500 रुपये इंडियन, 500 रुपये 1.50 की सब जितना भी होता है छोड़ो, उन लोगों ने, अभी देखो ये ऐसा है, दिखाता हूँ, देखो ये होता है, ये नेपाली रुपीज़, यह 5 रुपी नेपाली, हाँ नेपाल का 5 रुपये। इधर का ना एवरेस्ट का पिक्चर रहता है, देखो इस साइड में एवरेस्ट, ये वाला भक्तपुर का होगा शायद, या फिर दरबार स्क्वायर वाला कुछ होगा, ठीक है। और ये 50 रुपये का, ओके नेपाल राष्ट्र बैंक 50 रुपये का। हर किसी में ना यहाँ पे कोई नेता वगैरह के फ़ोटो नहीं होते, क्या कोई है ना कोई पॉलिटिशियन होगा इधर का, तो पॉलिटिशियन लोगों का कोई वो नहीं होता, ठीक है ना, पिक्चर नहीं होता। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी एवरेस्ट का है, और ये भी सेम 50 रुपये का सेम, हाँ देखो दो साइड सेम 50 रुपीज़। यह 20 रुपये का, देखो एवरेस्ट का लोगो है, ठीक है एवरेस्ट का लोगो, और इसमें है, इसमें देखो हरिन है, डियर, और ये अलग अलग एनिमल है, ये अलग एनिमल है, ये वाला देखो, ये भी ये है 10 रुपये का, ठीक है ये 10 रुपये का। इसमें देखो ये वाला हरिन और ये वाला हरिन में बहुत सा अंतर है, देखो डिफरेंस है, देखा, और इस ये भी सेम। तो 10, 10, 50, 50, 20, यहाँ पर भी ये 5, तो ये कुछ नोट है, ठीक है भाई, नेपाल का 50, 50, 10, 10, 20, 5। और अगर भी 500 रुपये 1000 रुपये भी है, ठीक है ना, वो खर्चा हो गया, अभी इतना सा ही बाकी है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना पानी पिया, दिखाते हैं आप लोगों को, देखो ये कितना बोतल पानी पिया, ठीक है इतना बोतल पानी पिया, इससे भी मतलब और भी पिए थे पानी, लेकिन कुछ कुछ बोतल होता ना हमने फेंक दिया है। अभी भी देखो खाना वगैरह कुछ हम मंगवा के रखे हैं, मतलब ये देखो ब्रेड वगैरह अभी भी है, ठीक है ना, ये ब्रेड, उधर जैम है, वो बिस्किट है, हाँ ये देखो किस तरीके से ये देखो मतलब रखा है हमने, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा रूम है, हम लोगों ने इसको लिए थे होटल पे, हम लोग होटल चेंज इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग का जो बैग का वेट है ना बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने ये तरीका अपनाया कि हम होटल चेंज नहीं किए, लेकिन हम लोकल ट्रांसपोर्ट से अलग अलग डिस्टेंस तक गए, तो बैग कैरी करना नहीं होता है, तो होटल पे रहता है, तो सिर्फ ये वाला जो बैग होता है ना मेरा, ये लेके चलता था हम, और ये वाला मेरा कैमरे का, ये कुछ चार्जिंग पॉइंट वगैरह, ये सामने का व्यू, इस बेड में मैं रहता था, और इस बेड में मेरे बड़े भाई रहते हैं, तब रहते थे, मतलब आज और कल ही रहेंगे, बस हो जाएगा फिर, कुछ ऐसा है माहौल, यही रूम है बस। इसके लिए हम लोग को पे करना पड़ रहा है इंडियन 800 रुपीज़, नेपाली नहीं, इंडियन 800 रुपीज़, ठीक है। और आप लोगों को मैं जितना सा इन्फॉर्मेशन दे दिया बस दे दिया, ठीक है ना,
तो रात को एक चीज़ दिखाएंगे कि रात के 8-9 बजे के बाद आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, रात के 8-9 बजे के बाद ये काठमांडू शहर एकदम सो जाता है। एक मतलब गाड़ी लोग कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही कम मिलेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। जब हम अभी जा रहे हैं थोड़ा सा मतलब बाहर, ठीक है ना, थोड़ा बाजार करेंगे, मेरे बड़े भाई लगते हैं थोड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ हम वैसे ही रैंडम घूमेंगे। आज का ब्लॉग हम मिक्स्ड ब्लॉग है, ठीक है ना, खाना दिखाया दोपहर को, अभी हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है, बाहर जाएंगे तो बहुत कुछ दिखाएंगे, जो जो दिखाना था तो दिखा ही दिया, और कुछ अलग अच्छा सा होएगा तो दिखाएंगे। तो ये को नज़ारा है, फिर से दिखा देते हैं नज़ारे को, देख लो। तो बेसिकली ये है नज़ारा, ठीक है भाई। सो देखो यह नज़ारा, यह है काठमांडू शहर, और ये रहा मैं। तो हम चले जाएंगे कल, बहुत मिस करेंगे, फिर से आएंगे। तो फिर से जब नेपाल आएंगे ना, तो हम पोखरा को सबसे पहले विज़िट करेंगे। तो एक्चुअली ना वो होता है ना, ये हमारे रूम में अटैच्ड बाथरूम नहीं है, वो अलग से एक कॉमन बाथरूम होता है ना, हम लोगों ने बोला कि हम लोग बजट ट्रैवलर है तो कम पैसा दे दो यार, कम पैसे का रूम चाहिए। तो मतलब वो कमन बाथरूम रहता है ना, कमन, सो वो मतलब बहुत जन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये होटल अच्छा है, ठीक है। तो हम भी, हमको बोला कि हमको वो बाथरूम कैश नहीं, हमको जस्ट रात को सोना है, बस चार्ज वगैरह करना है, बस और कुछ नहीं। तो नीचे का एक चार्जिंग पॉइंट था, बस ऐसा ही है कुछ। सो गाइस अभी हम लोग फिर जाते हैं बाज़ार में, और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ के कुछ अच्छे लोकेशंस, और कुछ खरीदते हैं तो वो भी दिखाएंगे, ओके। सो वीडियो को अंत तक देखियो। तो गाइस हम ना वो अभी थामेल जा रहे हैं, तो जाने से पहले ना रास्ते में एक मंदिर दिखा, इसको दिखाते आप लोग को। तो इस मंदिर के बाजू से वो जो गाड़ी दिख रहे हो ना, उधर से वो मिलेगा, हमें जाने का गाड़ी मिलेगा। कुछ ऐसा नक्काशी है, इस तरीके का माहौल मिलेगा, बहुत सारा बंदर मिलेगा, बाप रे। ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, ये ख़त्म नहीं होगा, बस बंदर लोग को दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो बंदरों का झुंड, माँ और बच्चे, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो वो सामने से, सामने चौक से, मतलब सामने का वो जो देख रहे हो ना, उधर से आप लोगों को शामिल का गाड़ी मिल जाएगा इस मंदिर के पास से, अगर आप स्वयंभू में हैं। इधर माना रास्ता जा रहे हैं, देख के भाग गया। तो ठीक है, शामिल पे जाके मिलते हैं। आज हम फिर से शामिल स्ट्रीट पे आ गए, देखो फिर से आ गए, कुछ देखते हैं कुछ खरीदेंगे कि नहीं पता नहीं, अगर भाव टू भाव मिलेगा तो खरीदेंगे। खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छी सी जगह है, तो
थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चाहिए बट क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है ना। और ये एक बात है ना, ये नेपाल से ना भाई, क्या देखा मैंने इधर इधर ना, इधर भी बैठ के दारू पियो कोई मना नहीं करेगा। दारू का ना कोई इतना इशू नहीं है, मतलब कोई भी मतलब छोटा बच्चा, छोटा नहीं है, मैं 16-17 साल से मतलब बैठ के पीते हैं, इतना नॉर्मली कैजुअल ही लेते हैं लोग। दारू का कोई इशू नहीं है, लेकिन स्मोकिंग का भी इशू नहीं है, लेकिन कई कई जगह ना स्मोकिंग करने के लिए मतलब मना है, तो आपको ध्यान में रख के स्मोकिंग करना पड़ेगा। बाकी हमने जूते की शॉपिंग को ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा है, पता नहीं खरीद पाएंगे कि नहीं। के मंदिर ना बहुत सुंदर है, वो लकड़ी से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर, और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर ना बहुत ही सुंदर है भाई। ये किधर चला गया भाई, है ना, भूल भुलैया। गाइस हम लोग घूमते घूमते थंबनेल से आसान बाजार चले आए, देखो होलसेल रेट। गाइस हम ना कुछ खरीदेंगे नहीं, बिकॉज वो पैसा ना, वो जो प्राइस है वो जम नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ना लड़की लोग मतलब इतना बिंदास होकर काम करते हैं, कोई इतना झिझकता नहीं है और कोई कुछ बोलता भी नहीं है, बहुत सारे मतलब लोग बहुत फ्रेंडली एंड फ्रैंक है। तो हम अभी जा रहे हैं स्वयंभू वापस, बाय बाय काठमांडू नेपाल जो भी है। दोपहर को जो खाना खाए थे ना वो बहुत मतलब कॉस्ट फ्रेंडली था, मतलब कॉस्ट फ्रेंडली था, यानी कि मतलब इतना खाए थे, पैसा बहुत कम आया था। लेकिन यहाँ के जो मतलब जो जैकेट वगैरह होता है ना, शूज़ वगैरह, थोड़ा सा ज़्यादा हमको लग रहा है, तो हम कुछ खरीदेंगे नहीं, खाना पीना चीज़ जो भी है कुछ खरीदेंगे नहीं, बस जा रहे हैं अभी, चले जा रहा हूँ भाई इधर से। गाइस यहाँ से देखो कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य, कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है कि हम लोग एकदम फॉरेन पे आ गए। नेपाल एक फॉरेन ही है बट फिर भी देसी देसी फीलिंग है, देखो। दिवाली की बत्ती की तरह आ रहा है जा रहा है। तो गाइस देखो यही कुछ था, और कुछ देर बाद ना वो रास्ता पूरा सुना हो जाएगा, एकदम सुन हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा, एक भी व्हीकल्स नहीं रहेगा। हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद आपको, 9 बजे के बाद काठमांडू के लोग मतलब सो जाते हैं। गाइस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, बिकॉज होटल जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, गाड़ी बंद हो गया। अभी हम लोग ना वो पैदल पैदल जा रहे हैं मैप के इशारे से, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इन काठमांडू, बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से। ये तरीका होता है इतना कैपिटल सिटी में कम से कम 11 बजे तक तो रहना चाहिए, 11-12 बजे तक है ही नहीं, ये कैपिटल सिटी है काठमांडू के, नेपाल के सिटी है, 12 बजे तक तो एटलीस्ट वो कार रहना चाहिए, क्या बताएं आपको। तो गाइस एक बेहुदा हरकत हो गई हम लोग के साथ, वो क्या है ना कि हम लोग मतलब वो जो मार्केट वगैरह से आए थे कुछ ख़रीदा नहीं था, भाव वगैरह मिल रहा मतलब हम लोगों से एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो हम लोग से जब वो मार्केट से निकले तो हम स्वयंभू जाएंगे होटल पे। अभी क्या हो रहा है ना, गाड़ी नहीं मिल रहा है, एक भी लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये जो देख रहे हो ना एक भी लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्राइवेट ये है। अभी बज रहा है कितना, 8:19, इतने में ही पूरा ख़त्म, मतलब हम क्या करें बताओ, ये बेहुदा हरकत है। एटलीस्ट 11-12 बजे तक तो ये होना चाहिए ना,
कि ये अच्छा नहीं लगा हमको, ये अच्छा नहीं लगा हमको, क्या बताएं। और कितना हाँटू, मतलब कितना पैदल चलो हम, अभी लेफ्ट जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखो अभी हम लोग लगभग आ पहुँचे हैं और अभी टाइम हो रहा है ना, आपको दिखाता है, देखो इतना बजे इतना होता है, ये देखो टाइम हो रहा है 9:23। सिर्फ इतना सा गाड़ी है, इतना सा गाड़ी, एक भी दुकान पर जो भी है ना वो नहीं चल रहा है। चलो क्रॉस करते हैं रोड क्रॉस करते हैं, एक भी नहीं आ रहा है। तो क्या बताएं भाई, मतलब ये कोई तरीका होता है, बोलो ये कोई तरीका होता है, सिर्फ बड़े बड़े ट्रक वगैरह मिलते हैं अभी, तो कोई तरीका नहीं होता, मतलब एक आम बंदा जाए तो जाए किधर। इसलिए बोल रहा है कि मतलब 9:30 के बाद ना पूरा दुकान वगैरह जो भी होता है ना वो बंद हो जाते हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत होएगा। तो मतलब जो भी खाना वगैरह खाना चाहते हो होटल से, वो 9:00 का मतलब काठमांड में 9:00 से पहले खाना खा लिया करो। देख सकते हो आप कितना एकदम सूना, मात्र 9:30 वो भी नेपाली टाइम के हिसाब से। देखा तो गाइस, फाइनली हम रूम पे आ पहुँचे हैं और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने का है। पहले थोड़ा ये ड्रेस देखो, कुछ ऐसा बिखरा पड़ा है रूम वगैरह। और ये है ना, ये पशुपतिनाथ टेम्पल हम लोगों ने गया था, उसका शूटिंग भी किया है। और आज बहुत दिक्कत हुआ, लास्ट डे था नेपाल में, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ, सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर वगैरह कर लूँ, बैक पैकिंग वगैरह है, सब कुछ बोलेंगे आप लोगों को। तो थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा फ़ोन का लाइट मुँह पे ऊपर मारता हूँ, नहीं तो ना वो नहीं होएगा। रुको, अब ठीक है। हाँ तो गाइस, तो गाइस फाइनली हम होटल पे आ पहुँचे। और मतलब कि हम एक्चुअली गए थे थामेल को कवर करने के लिए, तो पहले भी गए थे, थोड़ा सा शॉपिंग करने गए थे, ठीक है। फिर थामेल से जब हम वापस आना चाहते थे, तो हम घूमते घूमते एक भूल भुलैया की तरह है थामेल भाई, कितना गलियां है पता नहीं, तो हम घुस गए आसान मार्केट पे। वहाँ पे जाके भी मतलब हम लोग के जो है ना, हम लोग का वो क्या बोलते हैं उसे, वो मतलब वैल्यू को ऐड नहीं हो रहा था, मतलब क्या बताए, जो वैल्यू आ रहा था ना उस हिसाब से नहीं जम रहा था हमको, तो उसके कारण से हम उस मतलब कुछ भी नहीं खरीदे। तो तब से क्या हो गया पता है आपको, और ऐसे करते करते कितना बज गए थे, 8:00 शायद 8:00 हम सोचा कि 9:00 तक तो मिलेगा गाड़ी। उसके बाद हम पहुँचे कि वो किधर मिलेगा, बस स्टैंड या फिर बस स्टैंड को, इधर बस पार्क बोलते हैं, बस स्टैंड को बस पार्क बोलते हैं। फिर हमने गए, कितना मतलब कितना कौन से रास्ते गए पता नहीं, आज कितना वॉक किया पता नहीं, मतलब 5, 6, 7, 8 किलोमीटर हो गया पता नहीं। जो भी है, एक घटिया चीज़ है कि हम फिर वो हमारा जो ये मैप है ना फ़ोन का, ये जो मैप है, इस मैप के ज़रिए से हम लोगों ने आया स्वयंभू तक। उसके बाद फिर मतलब बहुत कष्ट हो गया था, एक होटल क्या बताए, वो जो होटल पे हम दोपहर को खाना खाए थे ना, उस होटल पे हम लोग खाए। फिर वो पानी का बोतल लेके आया, ये जो होता है ना, ये 300 पानी का बोतल लेके आया। फिर अभी आके थोड़ा सा मैं सो गया, मतलब रेस्ट ले रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो मैं इधर सोया हुआ हूँ, और यही है बस, और कुछ नहीं। इस मतलब कि इस 10-11 दिन की जर्नी में हमने बहुत कुछ कवर किया, जो जो मेरा ब्लॉग देखे होंगे उसको अच्छा लगा होगा, किसी ने कमेंट किया होगा, बहुत कुछ जान पाए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो देख के कुछ भी आपको नॉलेज आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर करना ज़रूर। और कुछ ये सब बोलना चाहता हूँ कि, और यहाँ पर आने के बाद ना आपको जो आप सिम लेना है, सिम के बिना आप चल नहीं पाओगे, ठीक है, जितना भी आप कोशिश कर लो
वाईफाई तो हर होटल में मिल जाएगा लेकिन सिम ज़रूरी है, नहीं तो हम वहाँ जा नहीं सकते कि, लेकिन नहीं तो भाई तुम भटक सकते हो, सिम के बिना तो हम आज आ नहीं सकते थे, ठीक है ना। मतलब कि सिम है तभी हम मैप निकल पाए। और बाकी यहाँ के लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। यहाँ पे चोरी वगैरह नहीं होता, ठीक है। और रात को आप बहुत इजीली वॉक कर सकते हो, बहुत सेफ़ है ये काठमांडू शहर, बहुत सेफ़ है। रात को आप इजीली वॉक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत होता है कि 9 बजे के बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, 9 बजे के बाद आपको लोग नहीं मिलेगा ज़्यादा, 9 बजे के बाद आपको कोई भी दुकान वगैरह नहीं मिलेगा। यह है सबसे घटिया चीज़ है जो मैंने आप लोगों को आज दिखाया। मतलब जो जो गाड़ियाँ चल रहे थे वो बहुत बड़े बड़े बस थे, ट्रक थे, ट्रक और माल लेके जाना था ना, जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो माल लेके जाते हैं, मतलब बहुत कुछ उस तरीके का वो ट्रक है। उसके बिना तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा नहीं। मतलब 9 बजे के बाद लोग पागल हो जाते कि कब घर पहुँचेंगे, इस तरीके से इधर चलता है। सो एक कैपिटल होने के नाते हमको लगता है कि 12 बजे या फिर एटलीस्ट 11-12 बजे तक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ढाका पे गया था, लोग सोता ही नहीं है रात को, मतलब रात भर गाड़ी मिलता है, एटलीस्ट 2 बजे तक तो मिलता ही है, ठीक है ना। तो ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब कि अगर आप लोगों में से काठमांडू में कोई आए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से आप घूमना चाहते हो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9 बजे के अंदर घूम फिर के खा पी के अपना होटल पे आना है किसी ना किसी तरीके से, नहीं तो आप मतलब बुरी तरीके से फंस सकते हो। नहीं तो अगर पैसा होगा तो कभी कहीं नहीं फंस सके, आपको एक टैक्सी वगैरह मिल जाएगा फॉर मतलब कि क्या बताएं आपको, वो बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। तो इन 9-10 दिनों में 10-11 दिनों में हम बहुत जगह कवर किए, ठीक है। हमने गया स्वयंभू, फिर हमने गया 300 दरबार स्क्वायर, ठीक है ना, फिर हमने गया जू, फिर हमने गया एक तवोदाह लेक, फिर हमने गया बहुत सारा लोकल मार्केट को कवर किया, हामिल वगैरह गया, और यह इधर का खाना दिखाया आपको। तो मतलब इतना रुपए में कितना खाना पाते हो पाएंगे, ठीक है ना। और एक चीज़, इधर का जो सिम मिलता है ना, सिम वो सिम आपको लेने के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए होगा जो इंडिया से आता है, आधार कार्ड चाहिए होगा, एक फ़ोटो चाहिए होगा पासपोर्ट साइज, और उसके साथ आपका नाम पूछेंगे, आपके बाप का नाम पूछेंगे, आपके दादाजी का नाम पूछेंगे, मतलब फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, इंडिया का एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ अंगूठा के छाप देना पड़ेगा लेफ्ट और राइट दोनों थंब के, बस इतना में आप हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। साथ ही साथ आपको मतलब क्या होता है ना, उसको कनेक्शन दे देता है, क्या होता है, ये मैंने जो लिया था सिम होता एनसेल, NCEL, सरकारी है ना, क्या सरकारी है शायद, इसका सरकारी सिम है, सो विच इज़ वेरी ओके। एंड सिम लेने में हमको खर्च आया था कितना, 200 नेपाली रुपीज़, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को जो नेट होता है ना वो बहुत महंगा है भाई, नेट के लिए मतलब वैसा नहीं कि अनलिमिटेड वाला हमने अभी तक देखा नहीं, वाईफाई में तो अनलिमिटेड होता है लेकिन विदाउट दैट आपको ऐसा पैकेज भरना पड़ेगा कि एक दिन का इतना GB नहीं तो उतना GB, इस तरीके का आपको वो करना पड़ेगा। फिर अलग से मिनट भी भरना पड़ता है ना, मिनट भी भरना पड़ता है, नहीं तो बहुत तरीके का आपको मतलब ऑप्शन दिखेगा ना तब मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है लोग, और आप आएंगे ना आपको मतलब बहुत हेल्प होएगा, आप किसी से भी पूछिए, और यहाँ का पुलिस भी बहुत हेल्पफुल है। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, और भी थोड़ा सोचता हूँ कुछ बोलना है कि नहीं, थोड़ा रुको। तो गाइस अभी मैं मेरा जो बैग था वो सारा बैग को मैं ठीक से मतलब जो जो लेके आए थे उसको मैं सजा के फिर रख दूँगा, क्योंकि कल सुबह सुबह गाड़ी है, ठीक है ना, बस है। तो ये सारा काम करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, और कुछ लास्ट एक सीन रहेगा फिर उसके बाद ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। तो गाइस देखो अभी मैं ये सजा रहा हूँ, ये अपना बैग सजा दिया है, ठीक है, मेरा बहुत काम है अभी, बहुत काम है भाई, बहुत काम है। तो
क्या करना है अभी देखते हैं। बैग वगैरह ठीक से पहले अरेंज करता हूँ, उसके बाद देखो कितना खा पी के डस्टबिन में। देखो आपको कैसा लगा? हंसो, मेरे को नींद लग रहे है डर 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 छो। तो गाइस ना एक चीज़ होता है ना, अगर आप एक जगह पे बहुत दिन तक रुकते हो अब उस जगह का एक अपनापन हो जाता है। तो मेरे को मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं काठमांडू छोड़ के जा रहा हूँ। कोई नहीं, अगर पॉकेट सट देता और भी रहता मैं, लेकिन बहुत कुछ कवर कर लिया मैं, लेकिन बहुत कुछ कवर कर लिया। मेरे भाई साहब को भी थोड़ा सा दुख हो रहा है। ठीक है, अभी देखो हम थोड़ा सा 50% कवर कर लिए, ठीक है ना। देखते हैं और कितना क्या क्या है। मेरा बाल कैसा लगा? मैंने बहुत बड़ा कर लिया। अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, और बुरा लगा तो भी कमेंट करके बता देना, नो प्रॉब्लम। उनको ना थोड़ा सा बड़े बाल बहुत अच्छा लगता है, माई फैन। तो गाइस लगभग मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, बैग वगैरह में जो जो सामान डालना था वो हो गया। तो भाई कुछ यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, पता नहीं मैं किधर जाऊँगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो थोड़ा सा बाद में आएगा क्योंकि मैं रुक रुक के वीडियो डालता हूँ, एडिट करने में टाइम जाता है। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू ऑल।